इस टाइम दुबई का थोड़ा सा पैकेज बहुत महंगा होता है, महंगा होता है, लेकिन डबल का सबसे बेस्ट वेदर। काफी रहेंगे ना, थोड़ा टाइम वहाँ पे भी लगाएंगे जहाँ पे स्टॉपेज होता है ना इनका। वो तो रेगिस्तान में होगी। आज हम घूम लेते हैं, घूम लेते थोड़ा वहाँ। नहीं हमने कुछ नहीं चलना, आप रस देख सकते हैं बहुत। ये देखिए यहाँ पे सैंड ड्यूनिंग से पहले गाड़ियों की हवा निकाली जाती ताकि उसको सैंड में चलने के लिए एयर प्रेशर कम करना पड़ता है। जय
माधव सच्चे दरबार की जय जय माता ये सॉरी वीडियो हिल रही है क्योंकि हम जो हैं जंगल नहीं डेजर्ट सफारी में डेजर्ट सफारी में फोटोग्राफी के लिए المباراة صعبة إذا لم تكن تتنفس بسهولة أطلب نزيل احتقار कहते सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं जो टूरिस्ट बन के एक दूसरे से मिलते हैं वो यादें रह जाती है। हाँ जी हाँ जी 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 हाँ टाइटैनिक पॉज टाइटैनिक फास्ट चलो फास्ट जैसे गाड़ी चल रही थी जब जोर जोर से रखेगी ना फिर नहीं घुसते जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे देखे ऐसे ब्यूटीफुल सनसेट अब बन गया आप वर्मा जी अल हबीबी हम लोग डिनर बहुत अच्छा बस मेमोरेबल रहिए ठीक से रहिए ये है हमारे पहला कपल असम से ये हमारे कपल है दिल्ली से मिस्टर वर्मा एंड मिसेस वर्मा और ये है मैडम दिल्ली से और चंडीगढ़ से दो दो जगह से दिल्ली एनसीआर चलो बहुत अच्छा सबके सब इकट्ठे हम एक ही गाड़ी में हैं और अल हबीबी आ जाओ मैं बस ठीक है तो सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर 2024 भी सबके लिए उमंग का रहे खुशी का रहे और आपकी आज आपकी फ्लाइट है सेफ थैंक यू अच्छा लगा वीडियो बना रही मैं अल हबीबी टोपला मास्टर रह गए गढ़वाल से लेके और दुबई तक अल हबीबी क्या ही तो ले गए थे लास्ट मोमेंट है सनसेट का काफी अच्छा सनसेट हो रहा है चलो जी
अच्छा। यहाँ पर है हॉर्स राइडिंग है और कैमल राइडिंग है। ये अभी यहीं पे रुकने के लिए बोला उन्होंने। तो लाइट को जलाई। डेजर्ट सफारी बेस कैंप में कुछ देर एंजॉय करने के बाद और डेजर्ट में रेगिस्तान में गाड़ी चलाने के बाद उल्टी बाजियाँ खाने के बाद अब हम इवनिंग में आ पहुँचे हैं कैंप में, जहाँ पर आपको मिलता है कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, हिना जो कि पैकेज में इंक्लूड रहता है, फूड, स्नैक्स, और आपको बिठा दिया जाता है। ये देखिए अब दुबई का ये एंट्रेंस गेट है। इसके बाद आपको अलग अलग इनके ट्रैवलर्स के अलग अलग डेस्क बने रहते हैं, तो उनको डेस्क में अपने अपने हिसाब से वहाँ पर रिसीव करने आ जाते हैं जो भी ट्रैवलर उनको लेके जाता है अपनी जगह। हमें तो ये ट्रैवलर हमारा पाशा करके था, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी जगह बिल्कुल फ्रंट पे बिठा दिया। तो ये डिपेंड्स कि कहाँ बैठते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको वीआईपी टिकट चाहिए, उसके लिए 150 दिरहम लगते हैं। लेकिन मेरी आपसे यही सजेशन है कि बिल्कुल भी वीआईपी पैकेज लेने की कोशिश ना करें वहाँ पे, क्योंकि वो एक तो बहुत दूर, सोफे तो ज़रूर लगे लेकिन मेन जो इंटरटेनमेंट टेबल है, डेस्क है, उससे काफ़ी दूर है। बस उसमें एक फ़ायदा है कि जो स्नैक्स है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इस नेक्स्ट वीडियो की जितनी भी एक्टिविटी है मैं सारे के सारे वीडियो आपको लाता रहूँ। नेक्स्ट विल बी दुबई।